पुलिस भी आ चुकी है, भीड़ बहुत बढ़ चुकी है। बारिश कितनी ज्यादा बढ़ गई है। देखिए पेड़ों को देखिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में, जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। और लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग आए थे भीमताल, और यहाँ पे है आइलैंड कैफ़े, जिसे एक्वेरियम कैफ़े भी कह सकते हैं क्योंकि एक्वेरियम है यहाँ पर अंदर। बहुत ही सुंदर कैफ़े है, लेक के बिल्कुल बीचों बीच, और उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, जो इसकी पुरानी कथाएं, पौराणिक कथाएं हैं भीमताल के बारे में। और पास में ही जो मंदिर है, और ये कितनी सुंदर लेक है, कितनी बड़ी लेक है। तो उसके बाद भीमताल के बाद हम लोग जाने वाले थे नौकुचियाताल, तो अब हम जा रहे हैं नौकुचियाताल की तरफ, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे बहुत सुंदर कमल के फूल खिले होंगे, यानी कि लोटस। तो आपको वो सब दिखाएंगे और नौकुचियाताल का रास्ता भी दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। और यही नौकुचियाताल में एक मंदिर भी है यहाँ पर, और एक छोटी सी गुफा भी है यहाँ अंदर। ये हनुमान जी की मूर्ति है काफ़ी बड़ी, वैष्णो देवी गुफा भी है। और अब हम पहुंच गए हैं नौकुचियाताल। पहले आएगी कमल ताल, जो एक छोटी लेक है नौकुचियाताल से पहले, और यहाँ बहुत सारे कमल खिले हुए हैं, और इसी के लिए मेनली हम आए हैं। और हम इसी के लिए आए हैं। लोटस देखिए कितने सारे खिले हुए हैं, ये इसी टाइम पे खिलते हैं। अब हम कहीं यहाँ पहले रुकते हैं और यहाँ का वीडियो बनाएंगे, फिर आपको मेन लेक दिखाएंगे नौकुचियाताल। नौकुचियाताल इसलिए नाम है क्योंकि उसके नौ कोने हैं, इसलिए उसका नाम नौकुचियाताल है। हम बेसिकली सोच रहे थे कि हम बर्डिंग करेंगे अगर बारिश नहीं हुई, बर्ड्स दिखी अगर लोटस के ऊपर, बर्ड्स बैठी होती है किंगफिशर वगैरह, तो बहुत ही सुंदर लगती है, तो हम बर्डिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मेन रीज़न यही था हमारा इस तरफ को आने का। ये सारे लोटस हैं, लोटस के प्लांट्स हैं सारे के सारे। कहाँ पे रुके? तो नौकुचियाताल की दूरी भीमताल से 4-5 किलोमीटर ही है, मतलब 20 मिनट का रास्ता है। और नैनीताल से यहाँ आपको पहुँचने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं, ट्रैफिक पे डिपेंड करता है कि कितना आपको रश मिलेगा रास्ते में। और ये देखिए पूरे लोटस खिले हुए हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर। ये आ गया है नौकुचियाताल, इधर है कमलताल, हाँ डक्स। ये है कमलताल और ये है नौकुचियाताल। और हम यहाँ वॉक करने आए हैं थोड़ा इस रास्ते में। यहीं से आप चलते रहेंगे तो आगे एक मंदिर है, मंदिर से फिर रास्ता राउंड होके फिर आपसे आप फिर से मेन रोड पे पहुँच जाएंगे। यहाँ भी बारिश हुई है लग रहा है सुबह अच्छी खासी, और यहाँ पे बर्ड्स का बहुत मूवमेंट है, हाँ बहुत सारी बर्ड्स दिखती है यहाँ। धूप नहीं आई है, धूप में आती अच्छी खासी बर्ड्स यहाँ। अगर आपको इतने सारे लोटस देखने हैं एक साथ, तो आप इसी मंथ में आइए अगस्त में, क्योंकि ब्यूटी और बढ़ जाती है मानसून के टाइम में, ग्रीनरी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कितना ग्रीन है आसपास सब। तो यहाँ इस तालाब के बारे में कुछ चीज़ें लिखी गई है, जिसे पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लेक के दूसरे साइड में जाने वाले थे और सोच रहे थे कि लंच भी कर लेते हैं, बट अभी बारिश काफ़ी तेज़ स्टार्ट हो गई थी। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये एरिया, बारिश होने के बाद और ज़्यादा सुंदर लग रहा है।
और बारिश स्टार्ट हो गई है और कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से ना। तो बस पैराडाइज फ्लाई कैचर दिखी थी, वो भी काफ़ी दूर में थी तो उसका वीडियो नहीं बना पाए। बाकी बर्ड्स दिखी नहीं, किंगफिशर भी आज यहाँ नहीं दिखी। अब बारिश भी बहुत तेज स्टार्ट हो गई है तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं, नौकुचिया ताल की तरफ। नौकुचिया ताल ही है अब, जब लेक थोड़ा आगे जहाँ से पूरी हाँ मेन लेक दिखेगी उस तरफ को जा रहे हैं। तो वाटर एक्टिविटीज़ यहाँ भी होती हैं और वहाँ से भी आप बोटिंग कर सकते थे उस तरफ आने के लिए, उस तरफ तक आ सकते थे और आगे से भी बोटिंग होती है, तो वो जगह भी मैं आपको दिखाती हूँ। जिप लाइनिंग हो रही है इधर। आपको यहाँ नौकुचिया ताल के आसपास भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और रिजॉर्ट्स और कैफेज मिल जाएंगे। यहाँ चल रहा है काम और लेक कितनी भरी हुई है देखिए, बिल्कुल ऊपर तक आई हुई है। यहाँ से भी बोटिंग होती है, वाटर एक्टिविटीज़ यहाँ से भी होती है और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ से आप बोटिंग पे जा सकते हैं। बहुत भर गई है लेक, पूरी ऊपर तक भरी हुई है, यहाँ तक भरी है, वरना तो आगे तक वो बना रहता था ना। पेड़ देखो पूरे डूब गए हैं, देखो पूरे पेड़ डूब गए, इतना पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया है लेक में। ये नौकुचिया ताल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके नौ कोने हैं, लेकिन नौ कोने एक साथ में कोई नहीं देख पाता है ऐसा बोला जाता है। हमने खुद नहीं देखे, अभी हम थोड़ा वहाँ तक वॉक करके आते, देख आगे जाते हैं, बस जौक ना लगे। और यहाँ पे एक वॉकिंग पार्ट टाइप का भी है लेक के अलोंग, बर्डिंग के लिए भी आते हैं आप यहाँ पे आराम से मॉर्निंग में वॉक कर सकते हैं, घूम सकते हैं जब भी आप आए। यहाँ पेड़ हैं बहुत सारे तो बहुत अच्छा रहता है। रात को ना आए क्योंकि यहाँ लेपर्ड मिल सकता है आपको, फूलदार काफ़ी ज़्यादा संख्या में इधर। और बीच में साथ यहाँ नौकुचिया ताल में टाइगर भी दिख रहा था, लेकिन वो थोड़ा ऊपर की तरफ गांव में था, इधर की तरफ नहीं आ रहा था लेक की तरफ। बारिश कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। देखिए इस लेक में पानी कितना भरा हुआ है। तो अब हम वापस चलते हैं, वापस चल रहे हैं खाने के लिए। वहाँ पे राजमा चावल कढ़ी चावल सब कुछ मिलेगा, हम वहाँ पे खाते हैं। और यहाँ बोटिंग के लिए कूल बोट डक्स भी हैं जिन्होंने चश्मा पहना हुआ है और क्राउन पहना हुआ है। ये राजा रानी डक है और वो गरीब डक है प्रजा, उसके पास चश्मा नहीं है। और देखिए ये शिकारे की तरह बोट भी हैं। और देखिए पेड़ों को देखिए, बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब हम खाने के लिए रुके हुए हैं। और बारिश रुक गई थी तो हम थोड़ी आगे तक आ गए हैं। यहाँ से वो वाला एरिया दिख रहा है जहाँ हम पहले गए थे कमल ताल का, ये है कमल ताल वाला एरिया। यहाँ से भी बोटिंग के लिए जा सकते हैं, मुझे लग रहा है बीच वगैरह में लगे जाओ सात ताल में पानी बिल्कुल यहाँ तक आएगा। हम खाने के बाद थोड़ा सा और वॉक करने गए थे, उससे भी आ गए क्योंकि अभी बारिश रुक गई है। और अब हम यहाँ से निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो जी अब हम वापस निकल चुके हैं नौकुचिया ताल से अपने घर की तरफ। बस आज बर्डिंग नहीं हो पाई, बस उस चीज़ का थोड़ा सा वो है कि आज बर्ड्स नहीं दिखी, एक भी हेरॉन भी नहीं दिखी। एक दो आवाज़ें आ रही हैं, हाँ अभी आ रही है। हमें लगा कि थोड़ा सा अगर धूप भी आ जाती ना, उस तरफ रुकेंगे हम। अच्छा तो अभी उस तरफ को रुकते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर। अभी यहाँ पर हेरॉन दिख रही है, यहाँ पानी की बर्ड है। और यहाँ पर ये मंदिर है जिसकी मैं बात बता रही थी आपको कि उस रास्ते से जिससे हम पहले वॉक कर रहे थे वो सीधे रास्ता इसी तरफ को आता है। तो
तो घर का रास्ता भीमताल लेक से ही होता हुआ जाता है। तो आइलैंड के पास में ही इतनी सारी डक्स दिख रही थी लाइन से चलती हुई, तो जिन्हें देखकर मैं रुक नहीं, मतलब रुके बिना रह नहीं पाई, तो इसलिए मैं क्लिक करने के लिए इनको उतर कर आ गई गाड़ी से। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है। कहाँ पे आया है? कहाँ खड़ा है? तालाब में? कहाँ पे? नहीं है, टैंकर तो छोटा होता है। कहाँ पर है? कहाँ पर? यार वो वहाँ पर सिंह जैसी दिख रही है ना उसकी, किनारे तैर रहा है, बोट है ना, बोट जिसमें व्हाइट रंग का कोई लड़का चला रहा है। तो देखिए जब जो चीज़ आपको देखनी होती है वो सही टाइम पे उस जगह पर आप पहुंच ही जाते हैं। मैं उतरी थी डक्स का वीडियो बनाने के लिए, इतने में मुझे पता चला कि लेक में कुछ तैर रहा है। उसी समय लेक में कुछ कूदा और ये था सांभर डियर। वहाँ पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, कई लोग घुरड़ बोल रहे थे, कई लोग बारह सिंगा बोल रहे थे, शायद बहुत सारे लोगों ने पहली बार ही सांभर डियर देखा था, और वो भी लेक में इस तरीके से तैरने में तो हमने भी फर्स्ट टाइम ही देखा था। इस समय सिर्फ मैं ही उतरी हुई थी, शिवजी गाड़ी में थे, और तो मैंने एकदम से, मैं बहुत दूर में थी, दूरी पे थी, तो मैं एकदम से जिस साइड को जा रहा था उस तरफ को लगाई दौड़, क्योंकि वो बोट्स के साथ साथ चल रहा था और वो घबरा भी रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाना है। तो बोट्स उसको दूसरी तरफ को भेजने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो क्रॉस करके दूसरी तरफ निकल जाए, जंगल की तरफ चला जाए। ये एकदम से जो घने जंगल आपको ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, अब तो सब जगह घर ही घर बन गए हैं, कंक्रीट के जंगल बोल सकते हैं, क्योंकि हर जगह घर जंगलों के अंदर अंदर घुस के घर बन गए हैं। तो एनिमल्स भी क्या करें, वो रोड की तरफ आ गया था और एकदम से गाड़ियाँ देख के शायद वो घबरा गया तो लेक की तरफ कूद गया। वो तो एनिमल्स में क्षमता होती है कि उन्हें तैरना आता है, चाहे वो इससे पहले पानी में कभी आए हों या ना आए हों। आप देखिएगा कि चाहे डॉग्स हों, चाहे कैट्स हों, टाइगर्स हों, एलिफेंट्स हों, कोई भी पानी में नहीं डूबता है, वो आराम से पानी में तैर सकते हैं। और जबकि ये लेक इतनी गहरी है और इतनी बड़ी लेक है, तो हम सब हैरान थे देखकर इसे तैरते हुए। देखिए कितने आराम से तैर रहा है और कितना सुंदर लग रहा है। तो अभी लोग सब यही परेशानी में थे, सब परेशान थे कि ये कैसे निकल पाएगा, कहीं ये डूबेगा तो नहीं, तो इसे क्रॉस कराने की कोशिश कर रहे थे। तो इस वक्त भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जगह दे देता है इसको, यहाँ जगह दे देता है। के लिए सांभर डियर है, अब पहली बार लोगों ने देखा कि भीड़ इकट्ठा हो चुकी है इसे देखने के लिए। वो जगह नहीं है ना कहीं पर, ले आओ उधर। हाँ वो आया है उधर जंगल के रास्ते, उसने रोड क्रॉस किया और वो एकदम से नहर, ये लेक में आ गया है। उसे लोग जगह दे रहे हैं जहाँ पर खुला है, बट वो आ नहीं पा रहा है, शायद डर रहा है। काफी दूर से तैरता हुआ आ रहा है बोट के साथ साथ। लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं कि बारह से यहाँ आ गया है, यह सांभर डियर। वो बोट साथ साथ में चल रही है, उसे रास्ता नहीं मिल पा रहा है। पुलिस की गाड़ी भी आ चुकी है, तो अब लोगों को सबको रोकेगी, किनारे करेगी ताकि ये निकल सके। पुलिस भी आ चुकी है, भीड़ बहुत बढ़ चुकी है, तो पुलिस अब ट्रैफिक रोक के उसे निकालने की कोशिश करेगी। वो जा रहा है, मंदिर भी आ गया यहाँ पे, तो अभी पुलिस ने ट्रैफिक रोक दिया है पूरा, सब लोगों को यहीं रोक दिया है ताकि वो डरे ना, आराम से निकल जाए।
घर के लोगों को वहीं रोक दिया गया है। अब निकल जाएगा ट्रैफिक पूरा रोक दिया गया है। वहाँ से तो आ गया है, अब देखते हैं रोड क्रॉस करके आता है कि नहीं। अरे उसको निकलने का कोई सारी जनता आ रहा है, शायद आ रहा है। वहाँ से तो पार आ गया है शायद क्रॉस कर, ऊपर तब तक नहीं आ गया तो गाड़ियाँ नहीं। सांभर उधर निकल गया था, सांभर है वालों ने बहुत अच्छा काम किया है कि ट्रैफिक रोक दिया है, वरना कोई रुकने को भी तैयार नहीं था। ट्रैफिक रोक दिया गया है ताकि वो निकल के आए। ये कुछ लोग फिर भी नहीं सुन रहे। वो अब देखने गए हो कहाँ गया, ऊपर को आ ही नहीं पा रहा। यही रुके रहो, आएगा। कोई बात नहीं, जय माता दी। चला गया, चला गया, चला गया। चलो बढ़िया हो गया, ठीक है। थैंक यू भैया। वाह बेहतरीन रेस्क्यू। बेचारा बहुत घबरा गया था। बोट्स वाले भी वापस आ गए ना, ट्रैफिक जाम हो गया। यहाँ पे भी बक्स हैं काफी सारी। गिरा हुआ पेड़ उस पर बैठी है। तो हम नौकुचिया ताल से वापस आ गए थे और हमने सोचा था व्लॉग एंड कर देते हैं। तो मुझे डक्स दिखी लेक में तैरती हुई, वहीं जब हम एक्वेरियम कैफे गए थे उसके पास में। बहुत लाइन से डक्स जा रही थी तो मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, मैंने कहा उतर के मैं वीडियो बनाती हूँ। तो जैसे मैं उतर के डक्स का वीडियो बना रही थी तो कुछ लोग थोड़ा दूरी पे मतलब ऐसे बातें कर रहे थे कि कोई कहता काकड़ है, कोई कहता बारासिंगा है, कोई कहता घूरण है, सब आपस में बात कर रहे थे। तो मुझे लगा वीडियो फोन में देख के बात कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ को देख के बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया आप क्या देख रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि वो लेक के बीच में तैर रहा है। और जैसे ही मैंने देखा तो मैंने सींगें देखी, पहले तो बहुत सारी, पहले तो समझ में नहीं आई कि वो क्या है, सांभर डियर है क्या, क्योंकि काफी दूरी में था। तो मैंने जूम करके देखा और उसके बाद मैं दौड़ दौड़ के उसके साथ साथ में चलने लगे हमने। और भीड़ भी बढ़ती गई, उससे पहले से ही लोग पीछे पीछे जा रहे थे, कुछ बोट से भी उसके पीछे पीछे जा रहे थे। और वो एकदम से शायद ऊपर जंगल से कहीं रोड क्रॉस करके आया, एकदम से लेक में गिर गया। तो वो तो एनिमल्स को तैरना आता है, वो तैरता जा रहा था और लेक पार करके इस तरफ आने की कोशिश कर रहा था, वो लेक पार करके इस तरफ आने की कोशिश कर रहा था। तो बोट्स में भी काफ़ी लोग थे, वो उससे भी वीडियोज़ बना रहे थे और साथ साथ में चल रहे थे। और रोड में ऑलरेडी लोग आगे आगे चल रहे थे, तो उसे कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा था। तो पहले गैप भी दिया तो वो डर रहा था, फिर भी नहीं निकल रहा था। कुछ ना कुछ लोग आ ही जा रहे थे, गाड़ी आ रही थी, गाड़ियों से वो घबरा रहा था। तो फिर बाद में पुलिस वाले आए, उन्होंने दोनों तरफ से ट्रैफिक रोका और उसे फिर क्रॉस करवाया और वो ऊपर की तरफ जंगल की तरफ चला गया। ऊपर स्कूल भी है और घर भी हैं काफ़ी सारे, तो वो डर के फिर से नीचे की तरफ आ रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाए। तो कुछ लोग फिर ऊपर की तरफ गए और उसे जंगल की तरफ को दौड़ाया। तो अभी तो वापस नहीं आया, तो ऐसा भी हो जाता है कभी। आज ये पहली बार ऐसा भी देखने को मिल गया। अभी हम भीमताल में ही हैं, बस अभी वीडियो ही बना रहे थे, अब यहाँ से वापस अब घर की तरफ चल रहे हैं। अब रास्ते में और कुछ दिखेगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप लोगों को आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, ये एरिया ये जगह बहुत पसंद आई होगी। मॉनसून का टाइम है और आप लोग भी इस जगह को घूमने के लिए आइए।
भीमताल भी, नौकुचिया ताल भी। अगर आप नैनीताल तो आप सबने लगभग देखा ही होगा, अगर इस एरिया को नहीं देखा है, भीमताल भी अगर देखा होगा, नौकुचिया ताल तो बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा। तो इस टाइम पे आइए क्योंकि लोटस भी खिले हुए हैं काफी सारे और वॉक करने के लिए भी अच्छा है। सबसे अच्छी बात यह है कि इतना रश नहीं रहता है इस जगह पे, इतनी भीड़ नहीं रहती है। तो आपको अगर पीस बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इस जगह पे आ सकते हैं। और आसपास में आपको बहुत सारे रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे रहने के लिए, होम स्टे मिल जाएंगे, आप बहुत क्वालिटी टाइम अपना स्पेंड कर सकते हैं। जैसा कि एक्वेरियम कैफे भी मैंने दिखाया, बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। और भीमताल में आसपास में बहुत घूम सकते हैं, नौकुचिया ताल के आसपास घूम सकते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज, हाँ एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, ट्रेल पे जा सकते हैं। यहाँ पे लैंडस्लाइड का भी उतना खतरा है नहीं। तो अगर आपको भीड़ भाड़ से हटकर कोई जगह में आनी है तो आप इन दो जगहों पर जरूर आ सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।